हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रिसमस ट्री प्लांट के बारे में। क्रिसमस ट्री प्लांट का जो लेटिन नेम है एरोकेरिया कॉल्यूमनेरिस है, और यह प्लांट बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर का स्रोत होता है। आज हम इसके केयर टिप्स के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप गार्डनर हैं और गार्डनिंग करते हैं तो इस प्लांट को आपको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो आइए इसकी केयर टिप्स के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसे कितनी मात्रा में धूप मिलनी चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, कितनी धूप की इसे आवश्यकता होती है। वैसे तो फ्रेंड्स, ये इंडोर और आउटडोर बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर जाता है, लेकिन यदि आप इसे इंडोर रख रहे हैं तो इसे 4 से 5 घंटे की धूप हमेशा ही मिलनी चाहिए, और इसे हमें सीधी सनलाइट में नहीं रखना है, हल्की ब्राइट लाइट इसे मिलती रहे ध्यान रखें। और यदि आप इसे सीधे ज़मीन में अपने गार्डन में लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। लेकिन आपके यहाँ धूप ज़्यादा आती है तो आपको इसकी थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो आप इसे ऐसी जगह लगाएं ज़मीन में जहाँ पर इसे नॉर्मल धूप आती हो, ज़्यादा धूप नहीं आती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसे दीवार के आसपास भी लगा सकते हैं, वहाँ पर आपके ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेगा। और यदि ट्रॉपिकल एरिया में आपके आप सीधे ही लगा देंगे तो इसके किनारे किनारे से जो पत्तियों की टिप होंगी वो ख़राब होने लग जाएंगी, येलो कलर की सी हो जाएंगी और दिखने में ये इतना सुंदर नहीं लगेगा फ्रेंड्स। तो ध्यान रखें कि इसकी जो खूबसूरती है वैसे ही बनी रहे। तो इसकी अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो कुछ इन चीज़ों का फॉलो अप ज़रूर करें। नेक्स्ट, इसकी मिट्टी की बात कर लें तो यदि आप इसे पॉट में लगा रहे हैं तो इसकी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें पानी जो है वो रुके ना। और फ्रेंड्स, इसमें मिट्टी जो है इसमें एक पार्ट आपको गोबर की कंपोस्ट खाद, किसी भी प्रकार की खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पत्तों की खाद हो या फिर चाय पत्ती की खाद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप चाहें तो उसमें कोकोपीट भी डाल लें फ्रेंड्स, कोकोपीट की वजह से भी प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि प्लांट की मिट्टी में मॉइस्चर रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। और पानी की बात कर लें तो फ्रेंड्स, इसमें सर्दियों में तो आपको 3-4 दिन में एक बार ही पानी डालना है, और गर्मियों में यदि इसकी मिट्टी जो है जब भी ऊपर से ड्राई दिखने लग जाए, हल्की सूख जाए, तभी आपको इसमें वाटरिंग करनी है। नम जब मिट्टी हो तब इसमें वाटरिंग नहीं करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से जो है हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। यदि आप ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं तो आप इसमें लगातार रोज़ाना पानी डाल दें फ्रेंड्स। यदि जैसे ही मिट्टी आपको सूखी हुई दिखे तब आप इसमें वाटरिंग करें, ज़्यादा वाटरिंग नहीं करें। तो ज़्यादा वाटरिंग इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है फ्रेंड्स, ज़्यादा वाटरिंग की वजह से ये प्लांट एक तरफ की ओर झुक जाता है और अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। और आप ध्यान रखें कि इसके ऊपर का जो जहाँ से ये प्लांट ग्रो होता है, ऊपर का जो हिस्सा है वो आप कभी भी गलती से भी इसे ना तोड़ें। अगर आपकी गलती से भी टूट जाता है तो प्लांट पूरा ख़राब हो सकता है। यहाँ से ऊपर से इस प्लांट की जो प्रूनिंग है वो आप बिल्कुल भी ना करें। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, नीचे की पत्तियां आप हटा देते हैं तो कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऊपर वाली पत्तियों के साथ आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और अब बात कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइज़र हमें कैसा डालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, साल में 2-3 बार आप इस प्लांट में फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। साल में 1-2 बार आप इसमें खाद डाल दें। फर्टिलाइज़र आप कोई भी प्रकार का, जैसे चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र, बनाना पील आदि का इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। और एक बार साल में 1-2 बार आप इसमें गाय की गोबर की खाद डाल दें, कंपोस्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस प्लांट में, और अगर इसके गमले की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसका जो गमला है वो हमेशा बड़े साइज़ का ही गमला लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है। आप ये जो प्लांट देख रहे हो करीब 5 फुट ये इसकी हाइट है, और ये 10 फुट तक गमले में आसानी से इसकी हाइट चली जाती है, 10-12 फुट। तो आप ध्यान रखिए कि बड़े साइज़ का गमला लें। यदि इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो होती हैं, और रूट्स बाउंडिंग ना हो इसकी वजह से प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है। तो बड़े साइज़ का गमला पहले से ही चुनाव करें। जैसे ही रूट बाउंडिंग होने लग जाए आप दूसरे गमले का प्रयोग कर लें, जो थोड़ा उससे बड़ा हो पहले से। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को अच्छे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, प्लांट हमारा ख़राब नहीं होता है फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लांट से संबंधित हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम आप तक लाते रहते हैं फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। थैंक यू सो मच।